हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं आईटी एप्लीकेशंस को बेस करके। यहाँ पे सेम रूल है कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड्स के लिए आपके स्क्रीन में अवेलेबल रहेगा। उसी 30 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन से चला जाएगा और आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का। आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है। फिर इस सेशन के लास्ट में 10 क्वेश्चन खत्म होने के बाद 10 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ काउंट करना है और काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन है CLI स्टैंड्स फॉर। CLI का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है API स्टैंड्स फॉर। API का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है COD स्टैंड्स फॉर। COD का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए।
टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीओडी का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपके आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, CRM स्टैंड्स फॉर, CRM का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही फुल फॉर्म है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईआरपी स्टैंड्स फॉर, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर, ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही फुल फॉर्म है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है? टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई बिजनेस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहिए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, FAQ stands for, FAQ stands for, FAQ का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही फुल फॉर्म है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए।
टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एफएक्यू का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आपके आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। इस सेशन का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो 10 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ काउंट कीजिए, और काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि हम जान सकें आपका 10 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। फिर अगले सेशन में ऐसे और कुछ एमसीक्यूज हम आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।